हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टेक सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने इस कंटेनर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है, ये 14 फीट का कंटेनर बना हुआ है। आज हम इस कंटेनर के बारे में बताएंगे, इस कंटेनर में क्या क्या स्पेशल लगा हुआ है। तो दोस्तों, जो हम ये कंटेनर बनाते हैं, ये कंटेनर हमारे दो तरह के कंटेनर हैं। एक पैनल बॉडी कंटेनर बनाते हैं, दूसरा रेफ्रिजरेटेड कंटेनर बनाते हैं। पैनल बॉडी कंटेनर में क्या होता है, बाहर मतलब बोथ साइड 0.5 PPG की शीट लगी हुई होती है। इसमें इसको कोरिगेटेड कंटेनर बोलते हैं। इसमें आउटर साइड 18 गेज MS शीट CRC शीट लगी हुई है। इनर साइड 6 mm प्लाई के ऊपर, मेरिन प्लाई के ऊपर 0.5 PPG प्री पेंटेड गलनाइक आयरन की शीट लगी हुई है। दोस्तों, इसके अंदर जो इंसुलेशन है वो 80 mm इंसुलेशन है। और इस ये वाली गाड़ियाँ मोस्टली मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में चलती हैं, जैसे अमूल में, मदर डेयरी, चॉकलेट्स वगैरह में, कैडबरी का। इसमें 80 mm इंसुलेशन रहता है। जो इसमें दोस्तों यूनिट लगा हुआ है, अभी हम आपको इसका यूनिट दिखा रहे हैं। वो यूनिट हमने अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग किया है। टोटली सारा हमारा यहीं का बनाया हुआ यूनिट है। और दोस्तों, इस सेगमेंट में 14 फिट सेगमेंट में हम आपको बता दे रहे हैं कि जो नियर अबाउट कॉस्टिंग इसकी आती है वो 2 से 2.25 लाख रुपए प्लस GST तक की कॉस्टिंग आती है। और इसमें हम जो ख़ास बात से बता रहे हैं आपको, ये है कि मोस्टली लोग इसमें HR सीट में पेट्रोल की सीट यूज़ करते हैं कोरिगेटेड कंटेनर बनाने में। हम मोस्टली इसमें CRC सीट यूज़ करते हैं, जिसको कोल्ड रोल सीट बोलते हैं। CRC से ऊपर हमारे पास राकोल्ड है, डोकल है, अगर आप चाहो तो राकोल्ड और डोकल भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, अभी हम इसका आपको अंदर का व्यूज़ दिखाने जा रहे हैं कि इसमें जो अंदर की क्वालिटी है वो क्या है। ये देखिए दोस्तों, इसका अंदर का व्यूज़ है। ये जो सीट लगी हुई है PPGI प्री पेंटेड गलनाइक आयरन की सीट लगी हुई है। और जो ये नीचे हम फ्लोरिंग लगा रखी है, इसमें ये फ्लोरिंग लाइट इंडाल्को है। ये बैटरी सर्कुलेशन के लिए इसमें लाइट इंडाल्को लगा हुआ है। और इसमें अंदर आप फिनिशिंग जैसे देख रहे हो, नीचे क्रेट्स वगैरह लगती हैं तो ज़्यादा घर्षण वगैरह होता है, तो इसलिए ज़्यादा ना किसी। इसमें नीचे 1 फिट तक हमने एल्यूमिनियम की चादर लगाई हुई है। और जो इसमें अंदर इंटरनल कॉयल बनी हुई है वो कॉयल इम्पोर्टेड है। अंदर LED लाइट्स लगी हुई है। और जो दोस्तों हमने अंदर आप देख पा रहे हो कि जो इसमें सिलिकॉन लगा रखा है, वो सिलिकॉन हम यूज़ करते हैं, वो 3M का या बोस कंपनी का यूज़ करते हैं। हम इसमें लोकल सिलिकॉन नहीं यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो आगे देखते रहिए आने वाले टाइम के लिए ग्रीन टेक।